मैं तेरे लिए कर्ज छोड़कर जा रहा हूँ। जो भी गांव उसकी मदद करे जला दो। कुत्ते की तरह जीने से बेहतर है शेर की तरह मरना। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इस तानाजी मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आए हैं जो आपको यकीन नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल स्टारर पीरियड ड्रामा तानाजी द अनसंग वॉरियर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। तानाजी मालुसरे की जिंदगी पर बेस्ड मूवी है। ये फिल्म अजय देवगन के करियर की 100वीं फिल्म है। मूवी का ट्रेलर बहुत ही शानदार है और सोशल मीडिया पर यूजर्स ट्रेलर की खूब तारीफ कर रहे हैं। नंबर एक, क्या है फिल्म के ट्रेलर में? ट्रेलर में दिखाया गया कि कैसे मुगल कोंढाणा पर फतह करना चाहते हैं, वहीं मराठा कोंढाणा पर फिर से भगवा रंग लहराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस जंग को लड़ने का जिम्मा तानाजी मालुसरे को दिया गया। कोंढाणा की जीतने की मराठी और मुगलों की इस जंग में कैसे तानाजी सर्जिकल स्ट्राइक कर मुगल साम्राज्य को हिला डालते हैं, ये देखना बहुत मजेदार होगा। नंबर दो, कौन कौन है फिल्म में? फिल्म में अजय देवगन तानाजी मालुसरे की भूमिका में दिखाई देंगे। सैफ इस फिल्म में उदय भान राठौड़ और काजोल सावित्री मालुसरे की भूमिका निभाएंगी और एक लंबे समय के बाद इन तीनों की केमिस्ट्री हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगी। नंबर तीन, कैसा है ट्रेलर? अजय देवगन की फिल्म के ट्रेलर से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन ट्रेलर में इस फिल्म में एडिटिंग की कमी साफ नजर आ रही है। ट्रेलर में कहानी खुलकर सामने नहीं आई। स्टार्स का लुक, एक्शन, फाइट सीन, बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार है, पर दर्शकों को अजय को देखकर सबसे ज्यादा निराशा हुई। ट्रेलर में अजय तानाजी के रोल में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। इस ट्रेलर को देखने के बाद लोगों के दिलों में भालेराव सिंघम का किरदार ही बैठा हुआ है, लेकिन सैफ अली खान ने सरप्राइज किया है। ट्रेलर में जितनी बार स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं। उदय भान के रोल में सैफ का अग्रेशन रोंगटे खड़ा कर देता है और कहना गलत नहीं होगा कि सैफ अजय पर भारी पड़ गए। ट्रेलर में काजोल की भी झलकियां दिखी, जिसमें काजोल मराठी लुक में काफी इंप्रेसिव लग रही है। नंबर चार, कौन है तानाजी मालुसरे? तानाजी मालुसरे वीर मराठा योद्धा थे। ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में सैन्य नेता थे। तानाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े थे। इन्हें इनके वीर और बहादुर इरादों के लिए जाना जाता है। 1670 में हुए सिंहांगण युद्ध में इनके योगदान के लिए याद भी किया जाता है। नंबर पांच, अजय काजोल फिर एक साथ। तानाजी फिल्म का निर्देशन ओम राउत ने किया है। फिल्म में सैफ अली खान, उदय भान, शरद केलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में दिखेंगे। वहीं तानाजी में काजोल का गेस्ट अपीयरेंस रखा गया है। वे तानाजी की पत्नी सावित्री बाई मालुसरे का रोल निभा रही है। लंबे अरसे बाद काजोल अजय को फैंस सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ देखेंगे। तानाजी फिल्म सिनेमाघरों में 10 जनवरी 2020 को आएगी। इस फिल्म की कहानी 17वीं सदी पर आधारित है। तो दोस्तों, आपको तानाजी मूवी का ट्रेलर कैसा लगा? और इस चैनल पर बने रहने के लिए और बॉलीवुड की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।